स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो बोले जो आज का वीडियो होने वाला काफी खास होने वाला है। इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने GTA San Andreas को आप GTA 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड दूसरी बात दोस्तों कि जो मैं आपके लिए गेम लेके आया हूँ उसमें 30+ मोड्स इंस्टॉल है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात भैया इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हो तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी इन्हांस होने वाला है यार। आप नेक्स्ट लेवल का गेमिंग करने वाले हो GTA San Andreas में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको गेम ही पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ GTA San Andreas का 30+ मोड इंस्टॉल। तो भैया गेम का साइज देख लो यार 1.3 GB है। जब इसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो भैया 7 GB के आसपास ये गेम का साइज बन जाएगा। तो भैया आपका एक भी डेटा यहाँ पर बर्बाद होने वाला नहीं है। सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल करना है एंड भैया इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सिंपली अपन ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आपको GTA San Andreas करके एक फोल्डर मिल जाएगा। तो भैया इसे प्ले कैसे करना है सबसे बड़ी बात। तो वेल गाइस यहाँ पर आपको स्टार्टअप ASP करके दिखेगा। सिंपली इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, 12-13 सेकेंड तक वेट करना है। देख सकते हैं डाउन साइड में अपना जो मिनी मैप है वो GTA 5 के मिनी मैप जैसा यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका वेपन HUD है वो भी पूरा चेंज हो चुका है। जैसे अपने को GTA 5 में मिलता था सिंपली इसमें भी हमने GTA 5 के जैसा HUD ऐड कर दिया है। मोड इंस्टॉल है जो कि आप जैसे देख सकते हैं जब भी अपन GTA 5 खेलते थे तो उसमें अपन फर्स्ट पर्सन मोड में स्विफ्ट कर सकते थे, बट GTA San Andreas में ऐसा नहीं था। यहाँ पर आप वाइल्ड ड्राइविंग या वाइल्ड रनिंग आप यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मोड में स्विफ्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको V प्रेस करना है एंड आपका जो कैरेक्टर है वो आपका फर्स्ट पर्सन मोड में स्विफ्ट हो जाएगा। मोड मेरे को काफी पसंद आता है क्योंकि इस मोड को अगर आप एनेबल करते हो तो भैया यहाँ पर आपको पूरा GTA 5 का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो आता है हमारा कैरेक्टर स्विचिंग मोड। तो भैया यहाँ पर आपको तीन कैरेक्टर मिल जाते हैं GTA 5 का, फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऑल बटन दबाओगे तो जैसे ही आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको तीनों कैरेक्टर मिल जाएगा। तो जिस कैरेक्टर पे आप स्विच करना चाहते सिंपली आप उस पे जा सकते हो। तो मेनली हमारा बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर जो रहता है वो फ्रैंकलिन पे रहता है। जैसे यहां पर हम ड्राइवर पे स्विच करेंगे तो आपको जैसे आप कैरेक्टर स्विच करते हो GTA 5 में जो आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं सिंपली आपको GTA San Andreas में भी सेम इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पूरा ड्राइवर का, यहाँ पर आपको कार्स मिल जाते हैं एंड जो हमारा ड्राइवर का जो कैरेक्टर है दोस्तों वो पूरा हू बहू GTA 5 वाले ड्राइवर से मैच करता है। एंड यहाँ पर आप माइकल का घर देख सकते हो। तो भैया पूरा आपको जो सेम माइकल आपको GTA 5 में देखने को मिलता था वही आपको GTA San Andreas में देखने को मिल जाता है। GTA 5 के जो हमें रेडियो मोड देखने को मिलता था जब हम कार ड्राइव करते थे तो रेडियो चेंज कर देते, तो सिंपली आपको GTA San Andreas में भी सेम मोड देखने को मिल जाता है। जब भी आप कार ड्राइव करोगे अगर आपके मन करेगा यार चलो कुछ और गाना लगा दिया जाए तो भैया आपको सिंपली जो इफेक्ट्स आपको GTA 5 में देखने को मिलते थे सिंपली आपको GTA San Andreas पे भी देखने को मिल जाएंगे। अपने को पता है कि अपन GTA 5 का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं GTA San Andreas में तो भैया मोबाइल कैसे छूट सकता है। तो जैसे आपको GTA 5 में आपको अपना एक पर्सन मोबाइल मिलता था सिंपली इसमें भी आपको मिल जाता है। सिंपली आपको P बटन प्रेस करना है एंड आपका जो पर्सनल मोबाइल है वो ओपन हो जाएगा एंड इसमें आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो आप GTA 5 में कर सकते थे। तो भैया ग्राफिक्स क्वालिटी की है तो भैया इसमें काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। SD रोड टेक्स्ट का क्या काम रहता है? तो बेसिकली जो आपका जो रोड का इन गेम जो आपको मिलता है टेक्सचर वो काफ़ी ब्लरी रहता है एंड काफ़ी यार अपने को अजीब देखने को मिलता है। बट अपन जब HD रोड टेक्सचर इसमें इंस्टॉल करते हैं तो टेक्सचर रहता है वो काफ़ी इनहेंस हो जाता है एंड काफ़ी यार अपने को देखने में अच्छा लगता है। हमारा अगला मोड निकल के आता है वो है वेजिटेशन मोड एंड आप सभी को पता है कि वेजिटेशन मोड का क्या काम रहता है। तो बेसिकली जितने भी आपके गेम में, इन गेम में जितने भी आपके पेड़ पौधे रहते हैं ये मोड उन सभी को इन्हेंस कर देता है एंड उसका ग्राफिक्स को रीटेक्चर कर देता है। मतलब जैसे अपन पहले जो हमारा जो टेक्सचर रहता है काफ़ी ब्लरी रहता है, अपने को देखने में उतना सही लगता है, बट अभी जब आप देखोगे तो भैया सेम एज GTA 5 में अपने को जैसे फिक्स देखने को मिलता है पेड़ पौधे का सिंपली आपको GTA San Andreas में देखने को मिल जाता है। उस मोड का नाम है SD व्हीकल पैक। अब भैया ये मोड मेरा सबसे फेवरेट मोड है क्योंकि इस मोड में आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलता है वो काफ़ी HD देखने को मिल जाता है एंड यार जब गेम खेलोगे तो काफ़ी OP
एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको न्यू व्हीकल्स पैक भी देखने को मिल जाते हैं जो कि GTA 4 एंड GTA 5 में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी काफी सारे मोड्स इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं और वो आपके मिड रेंज वाले PC या लैपटॉप पे काफी आसानी तरीके से चल जाएंगे और आपको GTA 5 का फुल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो बल्कि इस बस आज की वीडियो पे इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जो यार इस गेम को खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।